दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले माय फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को दबाओ लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं वो आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने हैंडी रिकॉर्डर जो जूम का H1 है उसका हमने अनबॉक्सिंग भी किया, फिर उसके बाद जूम H1 का जो एक्सेसरीज पैक आया था उसका भी हमने अनबॉक्सिंग किया। आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि जूम H1 एक्चुअली कौन से तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा लाल बटन दिखा है, यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग का बटन, यहाँ पे कुछ नंबर से वो अभी चल रही है, इसका मतलब हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बैटरी का कॉर्नर में दिखा रहा है कि बैटरी अभी कितना यूज हुआ है और कितना बैलेंस है। यहाँ पे डेसिबल दिखा रहा है हमारा जो वॉइस का क्वालिटी है, कितना ज़्यादा ऊंचा है कितना कम है वो बता रहा है। यहाँ पे कुछ साइड में कुछ बटन है, यहाँ पे देखो आपको लाइन आउट का बटन दिख रहा है, मतलब आप यहाँ से एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं, जैसे कि एक ये है माइक अलग से जो आपको 200-250 रुपये तक मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो में दे दूंगा, और इसका भी ये जूम H1 का भी जो लिंक है इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, और जो हमने एक्सेसरीज का जो अनबॉक्सिंग किया था वो टोटल अनबॉक्सिंग का भी हम लिंक नीचे दे देंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे देखो एक DC का आउटपुट है और प्लस साथ में साथ USB है, समझो अभी समझो ये USB हमें उसके साथ मिला है, एक उसका जो AA का बैटरी रिचार्ज करने के लिए, इसका हम ये निकाल देंगे तो ये USB माइक भी हो सकता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर आपका रिकॉर्डिंग बंद है और आप इसे यहाँ पे लगाएंगे तो आपका हैंडी रिकॉर्डर कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं होगा, कंप्यूटर को एक्सेस नहीं होगा। इसके लिए आपको पहले इसे ऑफ करना होगा। इसे ऑफ करने के बाद आप यहाँ पे अपना USB लगाएंगे तो आपको एक मैसेज शो होगा, USB कार्ड USB ऑडियो। अगर आप USB ऑडियो दबाएंगे ये लाल बटन तो उस टाइम से आपका हैंडी रिकॉर्डर कंप्यूटर को कनेक्ट हो जाएगा और उससे आप खाली ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे USB कार्ड को दबाते हैं तो आपको यहाँ पे जो भी डाटा रहेगा मेमोरी कार्ड का, उसमें जो भी डाटा रहेगा ऑडियो क्लिप्स, वो सब आपको खाली कार्ड का ही एक्सेस मिलेगा, आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो इस तरह से ये दो ऑप्शन आपको शो हो रहे थे, आप अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने किस तरह से उस USB केबल को यहाँ पे कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर को एक USB माइक कैसे बना सकते हैं वो देखा। दोस्तों और एक तरीका है जिससे कि आप अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपका आवाज़ कंप्यूटर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ रिकॉर्ड हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको पहले ये 3.5 mm का जैक वाला दो जैक वाला एक ऑक्स केबल आपको खरीदना पड़ेगा। उसका एक पार्ट आपको कंप्यूटर के पीछे जहाँ पे लाइन आउट का एक सिंबल दिया है पिंक कलर का, उस पर आपको वो लगाना है, और दूसरा एक पॉइंट आपको यहाँ पे लाइन आउट यहाँ पे लिखा है लाइन आउट, तो यहाँ पे आप लाइन आउट में लगाएंगे तो ये और दो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने के बाद आप अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो भी सॉफ्टवेयर आप ऑन करेंगे तो उस टाइम से लेके यहाँ का इसका जो ऑडियो रिकॉर्डिंग उसके साथ सिंक हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। अगर आप अच्छी तरह से अपना ऑडियो क्वालिटी बेटर करना चाहते हैं तो आप उसके साथ ये एक नॉर्मल 200-300 में जो मैंने अभी आपको बताया वो एक एक्सटर्नल माइक मिलता है, आप यहाँ पे लाइन इन में लगाएंगे, यहाँ पे लाइन इन लिखा है, अगर आप यहाँ पे लाइन और इस माइक को आप अपने कॉलर पे शर्ट पे लगा देंगे तो आपको साउंड का क्वालिटी और अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो ये थे दो तरीके, मैं तीसरा तरीका आपको बताने वाला हूँ। समझो अभी आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर आपको माइक की जरूरत पड़ती है तो आप इसे एक अच्छा माइक की तरह यूज कर सकते हैं, कम कीमत में एक अच्छा एक आपको ऑप्शन मिल जाता है। चौथा तरीका दोस्तों ये है कि अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से एक शॉर्ट फिल्म बना रहे या कोई आप फिल्म मेकर है तो कभी कभी माइक पकड़ के शूट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको उस माइक को बूम पे आप लगाएंगे उसके सर के ऊपर और उस
उसके बाद आपको जो साउंड क्वालिटी मिलेगा वो भी अच्छी तरह से होगा और वो भी प्रोफेशनल तरीके से आपको दिखने लगेगा। तो ये एक हो गया। और एक तरीका है, समझो अभी आप किसी DSLR से वीडियो शूट कर रहे हैं और कोई वीडियो कैमरा है जिसमें लाइन इन का ऑप्शन है या फिर लाइन आउट का ऑप्शन है, तो उसमें आपको ऑक्स केबल का एक पॉइंट उसमें डालना है, जैसे मैंने आपको एक केबल बताई और दूसरा पॉइंट आपको इसमें डालना है। अगर वो केबल ज़्यादा बड़ी रहेगी तो आप कैमरे को अपने हिसाब से कितना ज़्यादा दूर रखना है, कितना नज़दीक रखना है, उस हिसाब से आप अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर इसी को आप उस कैमरे के ऊपर रख सकते हैं और साउंड क्वालिटी आपको इनबिल्ट, उसका जो साउंड क्वालिटी है उस इसको सिंक करके ऑटोमेटिक आपको एक अच्छा सा क्वालिटी, साउंड का क्वालिटी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे Zoom H1 हैंडी रिकॉर्डर के कुछ आसान और यूजफुल तरीके जिससे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाओ जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।